जय हिंद डियर स्टूडेंट। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्टाइल को देखते हैं और वो प्रोजेक्टाइल का पाथ, आपको तो पता ही है प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है ऐसा है, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है इस तरीके से है, और जिस पाथ पर यह चल रहा है उसी से डिफरेंट किसी दूसरे स्पीड से आप भी उसी प्रोजेक्टाइल उसी के साथ, मतलब कह सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसका पाथ आपको प्रोजेक्टाइल के तरीके ना दिखकर एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो रीजन पूछा है कि कैसे, हाउ टू प्रूव इट, हम कैसे माने कि किसी दो प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंक दें किसी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, किसी दो प्रोजेक्टाइल को फेंक दें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से और एक ऑब्जर्वर यहां पर बैठा दें इसके पास और एक ऑब्जर्वर यहां पर हो, तो दोनों ऑब्जर्वर को एक दूसरे की जो ये पाथ है, ये जो पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन कैसे दिख रहा है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि अगर मैं यहां पर ये इस वाले एक्सिस को एक्स बोलूं और इस वाले एक्सिस को वाई बोलूं, तो ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये जो मेरा है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये इसे मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसे हम ओ नाम दे रहे हैं, और ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये कोई एक रेक्टेंगुलर या सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी ओरिजिन पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है कोइंसाइड कर गया है, और यहां से जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है वो उसकी जो स्पीड है वो यू वन है और जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसकी स्पीड यू टू है, तो हमें यहाँ पर इस यू वन को देख रहे हैं कि टू डायमेंशनल है, तो इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा यू को, तो एक तो हो जाएगा यू वन कॉस और यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि ये थीटा वन है और दूसरा प्रोजेक्टाइल अगर थीटा टू है तो ये थीटा वन हो जाएगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये यू वन और फिर हो जाएगा साइन थीटा वन। दूसरे वाले कंपोनेंट को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा यू टू और कॉस थीटा टू हो जाएगा बेटे, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू टू और साइन थीटा टू हो जाएगा। तो हमने यहां पर इस प्रोजेक्टाइल को क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन तो हम समझ ही गए हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया किसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और तब अगर वो दोनों एक दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका जो पाथ है वो पैराबोलिक ना दिखकर एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो हाउ टू प्रूव इट बोथ आर मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इसे प्रूव करने का हमारा एम है आज का। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी पहुंच गए हैं, इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर ए और बी पहुंच गए हैं, और इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट एज्यूम करूं तो यहां का कोऑर्डिनेट मैं इसके लिए मान लेता हूं कि एक्स वन है और इसका वाई वन है, और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं कि ये एक्स टू है और वाई टू है। सपोज कर लेते हैं ये टू डायमेंशनल जो है ना, तो टू डायमेंशनल होने की वजह से सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम में दोनों का जो टाइम है वो टी टाइम ही है सेम टाइम में, तो एक्स इधर आए हैं और वाई इधर गए हैं, एक्स वन इधर और वाई वन इधर गया है ए ऑब्जर्वर, और बी जो ऑब्जर्वर है वो उसी टी टाइम में एक्स टू इधर आया है और वाई टू इधर गया है, तो इस पॉइंट का यहां पर कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और हमें एक चीज तो पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है उसका कोई भी कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं होता है कि जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आए तो उसका जो कंपोनेंट है वो ए वाई एक्सिस में माइनस जी होगा, और ये ए एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन या जी का जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। एक्स एक्सिस में पैराबोलिक पाथ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल अगर एक्सेलरेशन होता है तो केवल वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर मैं ए ऑब्जर्वर के लिए इस पैराबोलिक पाथ के लिए रिजॉल्व करूं या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो मैं यहां लगा सकता हूं कि अलोंग द एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस अगर मैं लगाता हूं तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और इंटू टी और प्लस हाफ और ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स का मतलब हो गया कि हम लोग इस डायरेक्शन में एक्स वन लगा रहा हूं, एक्स वन ले रहा हूं, एक्स वन जो कि हमारा ए के लिए है, ये ए ऑब्जर्वर के लिए है। और यू एक्स का मतलब हो गया बेटे कि यहां पर मैं यू वन कॉस थीटा लिखूं, यू वन कॉस थीटा वन और इंटू स्मॉल टी और प्लस वन बाई टू। और हमने पहले भी लिख दिया कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो है हमारा वो जीरो है और इंटू टी स्क्वायर। बेटे यहां से एक्स वन इज इक्वल टू यू वन और कॉस थीटा वन और इंटू टी आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ऑफ द ऑब्जर्वर ए इन टाइम टी है ऑन द पैराबोलिक पाथ। हम ऐसे ही अलॉन्ग द वाई एक्सिस देख लेते हैं। अलॉन्ग द वाई एक्सिस और ऑब्जर्वर ए के लिए ही अभी देख रहे हैं तो यस वाई इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटे एस वाई को हमने कह रखा है कि ये वाई वन है और यू वाई को हम लोग यहां पर ले रहे हैं फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए जो कंपोनेंट है वो यू वन और साइन थीटा वन और इंटू स्मॉल टी प्लस हाफ। और ए वाई के लिए हमने यहां पर डिसाइड कर रखा है कि वो माइनस जी होगा और इंटू टी स्क्वायर। और ये यहां से y1 इज इक्वल टू यू वन और साइन थीटा वन इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ और g और t स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर a ऑब्जर्वर के लिए x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल गया है। तो आगे हम लोग ऑब्जर्वर b के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यही सेम चीज। तो along the x-axis for B, observer B के लिए हम यहां पर calculate करते हैं। तो observer B के लिए हम यही चीज जब calculate करेंगे तो यहां पर देखें तो S x और is equal to U x into T और plus half और A x T square। लेकिन ये सब चीजें किसके लिए कर रहे हैं, हम B observer के लिए कर रहे हैं। तो x एक्सिस में v के लिए x2 आ जाएगा बेटे और ux का मतलब हो गया कि यहां पर u2 और cos थीटा 2 और इंटू टी और प्लस हाफ। और आपको पहले भी बता दिया गया कि x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता है तो t स्क्वायर। और x2 इज इक्वल टू u2 और cos थीटा 2 इंटू स्मॉल t, ये हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर b के लिए है। यहां से मैं अलॉन्ग द y एक्सिस और फॉर ऑब्जर्वर b के लिए y एक्सिस में भी देख लेते हैं। जैसे हमने a ऑब्जर्वर के लिए x और y एक्सिस में देखा है वैसे इसके लिए भी देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि s y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये ऑब्जर्वर b के लिए हमें देखना है। तो एस वाई की प्लेस पर अब की बार यहां वाई टू हमने ले रखा है और यू वाई अब की बार यू वाई वाई एक्सिस का कंपोनेंट वेलोसिटी का लेना है। तो यहां पर हो जाएगा यू टू और साइन थीटा टू और इंटू स्मॉल टी और प्लस हाफ। और यहां पर ए वाई वाई एक्सिस का जो एक्सिलरेशन है वो माइनस जी होगा और इंटू टी होगा। और वाई टू इज इक्वल टू यू टू और साइन थीटा टू इंटू स्मॉल टी और माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर। बेटे ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया ये y एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जर्वर b का है। तो ये भी इक्वेशन हमने बना लिया है सारे इक्वेशन के, वन इक्वेशन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री और ये इक्वेशन फोर हो गया। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो यहां पर x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 की वैल्यू ये है और जिसकी वैल्यू है u2 cos थीटा 2 इंटू टी माइनस और x1 क्या है u1 क्या है u1 और cos थीटा 1 इंटू टी और t यहां से कॉमन करेंगे तो बेटे मिलने वाला है u2 और cos थीटा 2 माइनस u1
और cos थीटा 1। तो इस तरीके से x2 माइनस x1 मिलने वाला है यहां पर, जो कि ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर वी का x डायरेक्शन के आगे रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। इसी तरीके से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन ये मैंने जो फर्स्ट और सेकंड किया है, ये फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, आई थिंक ये फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, हमने इसका और इसका डिफरेंस किया है। तो यहां पर जो होगा, ये थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये सेकंड और फोर्थ के बीच में है, तो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में है, तो सेकंड और फोर्थ ये होगा, सेकंड और फोर्थ। और फिर यहां पर हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, और y2 माइनस y1 कैलकुलेट करेंगे तो बेटे फिर ये पूरा जो टर्म है gt हाफ gt ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 और थीटा 2 और u1 और sin थीटा 1 ये कैलकुलेट होकर आएगा और बाहर t रहेगा। इससे कोई एक इक्वेशन दे देते हैं जो इक्वेशन फिफ्थ है और इक्वेशन ये सिक्स्थ होगा। तो इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स्थ को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन फिफ्थ को और सिक्स्थ को डिवाइड कर देना है, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और फिर एक्स यू टू और साइन थीटा टू माइनस यू वन और साइन थीटा वन और अपॉन में यू टू और cos थीटा टू माइनस यू वन और cos थीटा वन। बेटे जब हम लोग इस ट्रेजेक्ट्री को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि हमने थीटा वन और थीटा टू शुरुआत में ही फिक्स कर लेना होता है। तो जब हमने शुरुआत में ही फिक्स कर लिया तो फिर इस तरीके से ये क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। और अगर ये कॉन्स्टेंट हो गए तो हमें एक चीज और दिखाई दिया कि हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इनको कुछ वेलोसिटी दी थी, अब जब ये हाथ से छूट गया, जब हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो बीच में हम इसको एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो जो पर शुरुआत में दी गई इस ट्रेजेक्ट्री के जो ऑब्जर्वर ए और बी हैं उनकी वेलोसिटी या स्पीड भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, वो भी हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। इस तरीके से एंगल और वेलोसिटी के दोनों के कांस्टेंट होने से पूरा का पूरा ये टर्म जो है वो कांस्टेंट हो गया। लेट अस के, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को के कह रहे हैं, जो कि y2 माइनस y1 अपान और x2 माइनस x1 है। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर मिलता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू के और x2 माइनस x1, जो कि एक लाइन का इक्वेशन है, जो कि एक लाइन का इक्वेशन है। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन पर लाइन मोशन में मोशन करता है, इसी से हम लोग बोलते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन है यहां पर लिखा गया है, इसको मैं मिटा कर लिखता हूं स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि जब कभी भी दो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होते हैं और दोनों प्रोजेक्टाइल में से ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर बी को देखता है और ऑब्जर्वर बी ए को देखता है, ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, तो उन दोनों का पाथ जो है एक दूसरे को पैराबोलिक ना दिखकर वो दोनों का पाथ एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो वो इस तरीके से हम लोग यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है और उसने इन दोनों को देखा, तो इन दोनों को पैराबोलिक ही दिखता है, इन दोनों को पैराबोलिक पाथ ही दिखता है। तो क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर है, तो इस ये जो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पर है और वहां से इसने इस विजन को किया है तो ये पैराबोलिक है। लेकिन यहां पर जिन दो ये दोनों जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि इनका क्या है, एक कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ है ए बी के लिए और बी ए के लिए, लेकिन इसके लिए पैराबोलिक पाथ है। तो दिस इज द ओवरऑल प्रूवमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन।